हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, उठने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ लाइट ऑन करने के बाद किचन में दोस्तों, और किचन में आने के बाद आर ओ के पाइप से पानी आ रहा था तो मुझे लगा पानी फुल हो गया है, तो वही चेक करी। बट अभी रेड लाइट जल रहा है, यानी कि पानी अभी नहीं भरा है। और बाहर का मौसम देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश हुई है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी है रात का सारा बर्तन उसको मैं जमा दे रही हूँ, और चिया सीड्स आजकल पीती हूँ दोस्तों सुबह मॉर्निंग में, तो वही मैं पानी में फुला के रखी थी, तो वही आप लोग को स्टार्टिंग में दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं सारे बाउल टिफिन जो भी है बर्तन रात में जो भी वॉश करके रखी थी उन सबको सबसे पहले ना सेट कर देती हूँ, जिससे कि किचन थोड़ा सा हल्का लगे। और ज्यादातर मेरे को लगता है मेरे टाइप सभी हाउसवाइफ जो हैं, कम से कम मैरिड के बाद तो सबके पास खाना बनाने का काम तो रहता ही है दोस्तों, तो सुबह सुबह सब लोग पहले किचन में ही विजिट करते होंगे। मेरा तो सबसे पहले किचन में ही विजिट होता है दोस्तों, ताकि सब कुछ अरेंज कर दूं, इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं गर्म पानी लूंगी चिया सीड्स को पीने के लिए, इसके लिए मैं गर्म पानी यहाँ पे बैठा दे रही हूँ इंडक्शन में, और साथ साथ में चिमनी को भी ऑन कर दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा। सारे बर्तन वगैरह भी अरेंज कर दी हूँ। आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फ्रिज से निकालनी हूँ दोस्तों सब्जी, मैं बनाऊंगी पोहा, और जो सब्जी वाला जो बॉक्स है ना बास्केट, उसको भी क्लीन करना है दोस्तों। चिया सीड्स में मैं एक नींबू का रस देन गरम पानी ऐड करके दोस्तों यहीं पे किचन में काम करते करते मैं पी लूंगी। हस्बैंड उठेंगे फिर मैं बस उन्हीं के लिए चाय बनाऊंगी दोस्तों। यहाँ पे मैं पोहा बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल है, आप लोग भी बनाते ही हैं। तो बस मैं फटाफट पैक कर दी हूँ दोस्तों हस्बैंड के लिए टिफिन, फल्ली दाना बीच में लेयर कर दी हूँ और ऊपर से डाल दी हूँ दोस्तों, और मैं अपने पोहा में फल्ली दाना नहीं डालूंगी। ये हो गया हस्बैंड का टिफिन और ये सेवई एक बाउल खा के जाऊंगी। डायरेक्ट मैं आप लोग से अभी मिल रही हूँ फ्रेश वगैरह हो करके दोस्तों। मैं मतलब नाश्ता बनाकर हस्बैंड को टिफिन दी, किचन वगैरह क्लीन करी, बर्तन वगैरह वॉश करी, इसके बाद थोड़ा सा फोन देखूंगी 15-20 मिनट दोस्तों, इसके बाद घर का पूरा क्लीन करी, झाड़ू पोछा ये सब करी दोस्तों, इसके बाद बाहर वाला वॉश बेसिन को साफ कर रही थी, क्योंकि ना उसमें ना लेबर लोग अपना हाथ वाथ धोए थे ना, तो गंदा हो गया था दोस्तों, यानी व्हाइट कलर उसका ना क्रीम कलर दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख के, तो थोड़ा वो साफ करी, फिर बाहर का जो वॉल वाला जो टाइल्स लगा है ना, फिर थोड़ा उसको भी पोछी, जो सामने का मिरर है उसको क्लीन करी। इसके इतना करने के बाद मुझे लगा चलो बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ नहाने से पहले, तो ये वाला मेरा वाला जो बाथरूम है दोस्तों, इस वाले बाथरूम को फिर मैं पूरा अच्छे से क्लीन करी, वॉल टाइल्स वगैरह अच्छे से रगड़ करके पूरा अच्छे से वॉश करी, वॉश करने के बाद दोस्तों हेयर वॉश करके फिर मैं नहाई, इसीलिए बीच में कुछ भी आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर नहीं करी, तो सारा काम मेरा हो चुका है। यहाँ पे कपड़ा लेकर के बैठी हूँ दोस्तों, अब मैं सारे कपड़े को फोल्ड करूंगी, कुछ फोल्ड करके उस रूम में रखा है उसको भी लाऊंगी और इसको भी फोल्ड करूंगी, इसके बाद सारे कपड़े को इसमें जमा दूंगी, तो ये मैं करूंगी दोस्तों। फिर 1:30 बजे मेरा भाई आएगा, तो हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा बाहर कुछ खाने, तो वो भी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। नंदनी मेरा बड़ा भाई लेकर आया है मेरे बाबा को मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, जो मंथली मेडिसिन लेते हैं BSP से, तो वो दवाई वगैरह लेने के लिए दोस्तों, और कुछ उसका अपना पर्सनल काम भी था भिलाई में, इस वजह से भी आया है। इसके बाद हम लोग को पिक करेगा दोस्तों, तो हम लोग जाएंगे बाहर कुछ खाएंगे, मेरे बाबा, मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरी बहन को भी पिक कर लेंगे दोस्तों सुपेला से। तो बस मैं हेयर वॉश करके और बस अभी कंघी करके फिर आप लोग से मिल रही हूँ, और बीच में ना दो बार थोड़ा थोड़ा मतलब 5-10 मिनट के लिए लाइट भी ऑफ हो गया दोस्तों, तो बहुत गर्मी भी लगने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिएगा, मैं ये सब कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और इसके बाद डायरेक्ट जब मैं जाऊंगी तो मैं आप लोग से मिलूंगी। और मैं थोड़ी सी इतनी सी बस खाली 2-4 चम्मच ही पोहा खाई हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादा खा भी नहीं पाती हूँ, मतलब बाहर जाने से भी मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ, मुझे बहुत कम ही खिलाता है, तो मैं 2-4 चम्मच ऐसे ही पोहा खाई हूँ, बाकी पोहा अभी बचा ही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा।
फ्रेंड्स, जस्ट कपड़ा बस फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करी, फिर मेरे भाई का कॉल आ गया। इसके बाद फटाफट ड्रेस चेंज करी और इसके बाद तुरंत बेल बज ही गया दोस्तों। तो फिर मेरे बाबा के यहाँ पे लेटे हैं और मैं अब चलती हूँ दोस्तों, पानी उनी ले आती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग, मैं, मेरा भाई और मैं थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं और बाबा आके जस्ट यहाँ पे, रूम ठंडा है ना क्योंकि ओनली यहीं पे का एसी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसी रूम में मैं ज्यादा रहती हूँ तो बस मैं यहीं पे का ऑन की हूँ। इसके बाद मैं आ गई दोस्तों किचन में और ऊपर से ग्लास निकाल ले रही हूँ और दो ग्लास ये वाला भी निकाल ले रही हूँ दोस्तों पानी देने के लिए। बस अभी गर्मी के समय में यही समझ में आता है कि फर्स्ट स्टेप यही दे दो, अदरवाइज हम लोग का बाहर जाने का प्लान है दोस्तों, तो कुछ भी तो खाएंगे नहीं देने से अभी, क्योंकि जब बाहर जाना है तो फिर घर से तो खा के जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पानी मिक्स करके निकाल ले रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो एकदम से चिल्ड पीना भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्स करके दोनों ग्लास में पानी को दे दे रही हूँ। इसके बाद दोस्तों स्लाइस सुबह हस्बैंड से मंगवा ली थी क्योंकि स्लाइस था नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग गए नहीं है ना डीमार्ट और डीमार्ट से ही एक्स्ट्रा बॉटल खरीद के लाते हैं, चार कम से कम चार बॉटल तीन बॉटल तो लाते ही हैं, तो अभी खत्म हो गया है। तो ये मैं सुबह मंगवा ली थी तो सबसे पहले स्लाइस दे दे रही हूँ दोस्तों। और मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे को अगर बहुत इच्छा होगी तो मैं छोटे से लिटिल कप से कभी कभी पी लूंगी, बट जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि ना पीऊं क्योंकि बहुत मीठा होता है दोस्तों, तो सही नहीं है इतना मीठा। आपका पोता आते साथ बोलता है कि बाबा को पानी दो, पोता बहुत सताता है, सताता है ना, चंडाल है, चंडाल बाबा बोलता है, टंकिया में ढोल है तो बोलता है बाबा बॉटल से पानी नहीं पीते, पानी दो पानी। कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ बाबा, पी लो कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। उठो छोटू भैया, कष्ट दो थोड़ा हाथों को, मुंह में डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, पाइप थोड़ी लाए हैं हम तुम्हारे। इतना बदमाश लड़का देख लो बाबा, हर चीज अपने ग्रुप में डालते है। हाँ रखो मत लो, कौन करता है ऐसे, वो कुछ खाता ही नहीं। अब दूसरे दिन तालाब में नहा के रोटी खाता, महाकाल महाकाल मेरे बाबा बचपन से हम लोग को बहुत सारा इतिहास सुनाते हैं। इतिहास है ना बाबा, ये भी ये इतिहास अतीत की यादें हैं, अपने जीवन की कुछ घटनाएं जो उनको विश्वास नहीं होता था। वो गए थे दुदमनिया, दुदमनिया तो हमको बताया थे। दुदमनिया कहाँ पर है? सरजू हो हजारीबाग नहीं जाता जीवन से बचपन से हमें बड़ी से भावक बहुत इतिहास कहानी नाना के घर का स्टोरी, लेकिन सबसे अच्छा था बाबा के नाना जी के घर का, राजा आदमी था। नाना जी रईस थे, फिर तो मैं कोई रईस देखी नहीं। मेरे नाना ही बहुत रईस थे, मेरे नाना हाँ इसके सिवाओ बहुत बहुत बड़े काम धाम कर रहे थे सामने, अपने अभिमान में ताकत के अभिमान में फाड़ दिया तो लड़का बदमाश था हाँ बहुत इसके जैसे तो फाड़ दिया धोती को, तो हंसा दुकानदार, बोला अच्छा क्यों फाड़ दिया, फाड़ दिया ठीक, जबकि पूछा मैं काम आ जाएगा, उसको फिर फाड़ दिया तो बोला फाड़ दिया पूछा भी काम नहीं आएगा, तो देखते हैं ऐसे फिर उसको फाड़ दिया, वो फाड़ते ही गया लेकिन दुकानदार जो था वो हंसता ही रहा, ठीक है जिसे मर्जी पुहान भट्ट आदमी था, जब उसको फाड़ दिया तो फिर भी नहीं बोला, तो आग लगा के जला दिया सर, फिर दूसरा मांगा उसको भी फाड़ दिया, फिर भी वो हंसता रहा तो पागल हो गया लड़का कि गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे कहानियां हैं, अभी किस पर घटना है और कितना सत्य है पढ़ा हूं वैसी ही हैरानी है। चंडाल जन्म ले लिया ना बाबा, ये बचपन से तंग किया ना आपको, तंग करता है ना, तंग करता हाँ तंग करता तंग करता है, मानसिक दुख देता है हाँ, अरे बाप रे बाप। पहले से ज्यादा हरियाली, कहाँ हरियाली, घनघोर
जंगल लिया नहीं फैलल है पेड़वा इलाज में पेड़ बहुत है भाई हर जगह काफी हाँ बन लगे वो देखो डाब पानी पियोगे पहले पानी नारियल पहले खाना खाओगे पहले खाना खा लो ना भाई पानी पिला के पेट भर रहा है बाबा इंडियन कॉफी हाउस रुक ले ये नहीं गया इंडियन कॉफी हाउस में पार्किंग का जगह नहीं था तो बोला आप गाड़ी में बैठ जाओ मैं ला करके दे देता हूँ इंडियन कॉफी हाउस नहीं तो क्या था बैठ के खाते हो अलग तो क्या होटल को खाली करवा दूँ बम फेंक करके ऐसा नहीं है बाद में आएंगे बाद में कब आएंगे पार्किंग के लिए जगह नहीं था ना बाद में फिर आएंगे तो खा लेंगे यहाँ पता करके टेबल पर फोर लगे जरूरी है बढ़िया के सो फ्रेंड्स हम लोग हरिराज में अभी बैठे हैं हम लोग के जस्ट बैक साइड में ये दो आंटी बैठी हैं दोस्तों जो मैं थोड़ा सा क्लिप लेके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोनों आंटी काफी ओल्ड एज हैं दोस्तों और काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं देख के बहुत खुशी हुई तो ये क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों खाने में मंगवाए थे दोस्तों छोले भटूरे और डोसा था दोस्तों मसाला डोसा पनीर डोसा और इसके बाद लास्ट में मंगवाए थे दोस्तों आइसक्रीम आइसक्रीम में था चॉकलेट आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम और सीताफल आइसक्रीम दोस्तों तो बस अपन यही सब एंजॉय किए खाए और बातचीत किए बहुत ही ज्यादा मजा आया दोस्तों और मेरे कहने का मतलब था दोस्तों वो आंटी लोगों का क्लिप में ऐड करने के साथ आप लोग के साथ ये शेयर करना था कि ऐसे ही हम लोग को हमेशा ही लाइफ को एंजॉय करना चाहिए दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए अपनी बढ़ती उम्र के साथ में एक टाइम पर कि अरे हमारा तो एज हो गया है उम्र का ख्याल करें नहीं दोस्तों जब चाहो तभी हम मतलब जब चाहो तभी जिंदगी को जीना चाहिए दोस्तों क्योंकि हर पल समय बीत रहा है मेरे हिसाब से जितना हो सकता है जो है आपके पास उसी में खुश होकर एंजॉय कीजिए दोस्तों हम लोग हरिराज से निकल गए हैं दोस्तों और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर कहीं और जाने का प्लान नहीं है बाबा ज्यादा चल नहीं पाएंगे पूछे हम लोग पार्क वगैरह जाएंगे क्या तो बोले कि नहीं घर ही चलते हैं तो बस हम लोग घर जा रहे हैं दोस्तों घर आने के बाद होटल से हम लोग घर आ गए मेरी सिस्टर मेरे अपने घर चली गई दोस्तों इसके बाद हम लोग बैठ करके तीनों लोग गप्पे शप्पे किए बात कर रहे थे बाबा से मस्ती बाबा को कुछ ना कुछ बोलते हैं ताकि बाबा कोई ना कोई कहानी निकाले मजा आता है दादी तो मेरी नहीं है लेकिन दादी तो मेरी नहीं है दो साल हो गए दादी को गए हुए दो ढाई साल बस लेकिन बाबा हैं तो बस वही है जब मिलते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना कि बाबा जानबूझकर उसका रिप्लाई करे तो बस जस्ट अभी निकले हैं दोस्तों 5 PM हो रहा है देखिए मैं ना सबके जाने के बाद चाय पी रही हूँ मैं तुरंत नहीं पीती क्योंकि गर्म मैं नहीं पी पाती बाबा और मेरे भाई इन लोग चाय पिए चाय पीने के बाद जस्ट अभी निकले हैं रायपुर तो चलिए दोस्तों ये जो मैं ब्लॉग आज बनाई सुबह से थोड़ा बहुत जो भी शेयर की हूँ आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा अगर थोड़ा भी पसंद आए ना दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाहर का मौसम बहुत अच्छा है बादल गरज रहा है बारिश आने वाली है तो मैं फटाफट फोन वगैरह लगा दी हूँ चार्जिंग में और थोड़ा सा रूम को भी ठंडा कर ले रही हूँ क्योंकि फिर लाइट गोल हो जाएगा तो पता नहीं फिर कब आएगा क्योंकि बादल गरज रहा है मतलब लाइट तो ऑफ हो गई तो चलिए दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो Bye-bye.